हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एलसीएम। कल हमने एलसीएम सीखा था, आज हम क्या सीखेंगे? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से लीस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। अब देखिए, हम आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपको 2, 4, 8 and 24, ठीक है, 4, 8 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एक तरह से आपके टेबल समझ लीजिए। तो जैसे 2 के मल्टीपल 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, फिर 8, 3 टाइम्स किया तो 12 16 20 24 और 28। हमने इतने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिख लिया 4 के मल्टीपल्स। फिर हम अगर 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 8 16 24 32 40 48 और 56। अब अगर हम 24 के लिखें तो 24 48, ओके, इस तरह से आगे और आगे हो जाएगा। अब हमने कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट माने सबसे छोटा और कॉमन मीन जो तीनों में आए, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो तीनों में आ रहा है, देखिए 24 24 एंड 24, ओके। तो सबसे, देखिए बाकी ये नंबर और किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक 24 ऐसा नंबर है, कॉमन मल्टीपल है जो कि तीनों में आ रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 24। ऐसे आप निकालेंगे तो इसमें आपको ठीक से, मैंने आपको समझाने के लिए केवल अभी एक बताया है, लेकिन इसको हम दो तरह से और सीखेंगे। कौन कौन सी तरह से? एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीजन मेथड से, ओके। अब पहले हम अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं तो सबके हमें पहले क्या करने हैं, फैक्टर्स निकाल लेंगे, 4 का भी, 8 का भी और 24 के भी, ठीक है। 4 का क्या हुआ, इवन नंबर है, 2 2 4 और 2 1 2, ओके। अब 8 का होगा, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब 24 के क्या होंगे, 12 पहले किया, फिर 2 से किया तो क्या आया, 6, फिर 2 से किया तो आया 3, फिर 3 से किया तो आया 1, ओके। अब इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, आपको सबके फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं सबके फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 4 कितने हैं, 2 into 2। फिर अब फैक्टर्स ऑफ 8 के क्या है, 2 into 2, कॉमन सेम के नीचे सेम लिख दिया, 2 into 2, ओके। अब फैक्टर्स ऑफ 24 कितने आ रहे, 2 into 2 into 2 into 3। अब आपने सेम के नीचे सेम लिख लिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तीनों में जो कॉमन है वो लेना है। तो तीनों में कॉमन क्या है,
इसको वन टाइम ही लेना है। तीनों के में जो टू आ रहा है ये एक एरो बना के आपको वन टाइम ही लेना है, ये एक बन गया। अब इन दोनों को एक अलग, जो दो में अगर कॉमन है तो हम दो वाले को भी ले लेंगे। अब ये एक जो थ्री बच रहा है अलग से हम इसको भी ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, फोर का, एट का और 24 के तीनों के हमने फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालिए। अब हमने सबके फैक्टर्स लिख लिए। सबके फैक्टर्स लिखने के बाद पहले हमने जो तीनों में कॉमन है वो लेना है। तो ये एक ही बनेगा, थ्री टाइम्स नहीं बनेंगे। ये तीनों में कोई कॉमन है तो एक टू बन गया, ये तीनों में कॉमन है तो एक टू बन गया, ये दो में कॉमन है तो सिंगल टू एक ए भी बनेगा, और एक जो अब एक अकेला बच गया है उसको भी हम ले लेंगे। तब आपका देखिए क्या आया, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट और एट थ्री जा 24। 24 क्या हुआ आपका एलसीएम, 24 क्या हुआ आपका एलसीएम। हमने कॉमन मल्टीपल से जब हमने टेबल्स देख के कॉमन निकाला था उसमें भी आपका क्या आ रहा था, एलसीएम 24 ही आ रहा था ना। अब देखिए ऐसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है, इसमें भी हमारा आंसर जो है वो 24 आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेंगे डिवीजन मेथड से। नेक्स्ट हम कौन सा लेंगे, डिवीजन मेथड से। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, अब हमारा किसका था वही नंबर ले लीजिए, फोर एट, ऐसे आपने अलग अलग ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए सारे इवन नंबर है, टू से जा रहे हैं तो टू के टेबल में फोर टू टाइम्स गया, टू के टेबल में एट फोर टाइम्स गया, 24 12 टाइम्स गया। ओके, फिर हमने टू ले लिया, टू के टेबल में टू वन टाइम गया, फोर टू टाइम गया और 12 सिक्स टाइम गया। फिर हमने लिया वन आ गया तो आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे, फिर टू बन जा टू और टू थ्री जा सिक्स, लास्ट में सब में वन आ जाएगा जब तक हमें इसको डिवाइड करना है। ओके, अब हमारे सबका डिवाइड ऐसे करने पे सब में वन 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 आ गया, तीन नंबर हमने लिए थे, फोर एट और 24, तो फोर का जब हमने किया इस तरह से आया, ये 8 के आए और ये 24 के आए। अब हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आए, एलसीएम इज इक्वल टू, अब ये सारे आपको लेने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू दा 4, 4 टू दा 8, 8 थ्री दा 24। देखिए हमने डिवीजन मेथड से किया, जब भी आंसर 24 ही आया। तो हमने आज आपने क्या सीखा, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हमने तीन तरह से सीखा है, सबसे पहले हमने सीखा था सबके मल्टीपल्स लिख के और फिर जो तीनों में कॉमन था वैसे लिखा, फिर सेकंड हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया। ओके, सबके फैक्टर्स निकाल के और फिर किया, इसके बाद हमने डिवीजन मेथड से ये किया ना? पेपर में अगर आता है आपको कि इस मेथड से स्पेशल प्रिस्क्राइब किया हुआ हो कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या डिवीजन मेथड से करना है या मल्टीपल से करना है, तब आपको उसी मेथड से करना है, अदरवाइज आपको जो इजी लगे आप उस तरह से